वसई चिंचोटी झरने में 2 दिनों के भीतर 3 लोगों की डूबने से मौत। मॉनसून के शुरुआत में लगातार सामने आ रही हैं ऐसे हादसों की खबरें। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। मॉनसून की शुरुआत होते ही हादसों के सिलसिलों की भी शुरुआत हो चुकी है। ताजा मामला आज दोपहर 2 बजे के आसपास का है, जब 2 युवकों की वसई चिंचोटी झरने से लाश बरामद हुई। दरअसल यह पूरी घटना इस प्रकार है कि बीते कल नाला सुपारा के अलकापुरी में रहने वाले 6 दोस्त एक साथ चिंचोटी झरने के पास घूमने गए थे। उसी दौरान वे लोग पानी में नहाने उतरे और पानी का अंदाजा नहीं मिलने की वजह से 6 दोस्तों में से 2 दोस्त डूब गए, जिसके बाद अग्निशमन दल की टीम और लोगों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी बीते कल दोनों युवकों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन आज दोपहर 2 बजे के आसपास मृतक युवकों के शव को बाहर निकाल लिया गया। मृतक युवकों का नाम रवि झा और रोशन राठौड़ है। आपको बता दें कि बीते कल ही इसी चिंचोटी झरने में एक और 18 वर्षीय लड़के की डूबने से मौत हो गई थी, जो कि विलय पार्ले का रहने वाला था और अपने 4 दोस्तों के साथ वसई घूमने आया था, लेकिन स्थानिकों द्वारा उसके शव को बीते कल ही बाहर निकाल लिया गया था। गौरतलब है कि मॉनसून की शुरुआत में ही ऐसे हादसों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसके लिए जितना यहां का प्रशासन जिम्मेदार है उतनी ही यहां की जनता भी, क्योंकि प्रशासन चाहे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके लोगों को सावधान कर सकता है, और यदि यहाँ की जनता चाहे तो ऐसी जगहों पर जाते समय सावधानी बरत सकती है। लेकिन सत्य यही है कि यहाँ पर किसी के भी द्वारा कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली जा रही है, जिसके चलते लगातार ऐसे हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।